सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। आप सबका स्वागत है संडे चर्च में, संडे के दिन में, हालेलुया। और जितने लोग आए हैं वो प्रभु की इच्छा में आए, आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद, आपको प्रभु सुरक्षित लेकर आए हैं। और पिछले हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन जो हमें चाहिए, हमारी जरूरत है, आप सबकी जरूरत है, वो प्रार्थना उपवास के बारे में थोड़ा प्रभु के वचन से हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे, आमीन। प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में, हालेलुया। प्रार्थना और उपवास दोनों का अलग अलग मतलब है और दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है हमारे जीवनों में। बाइबल में बहुत जगह प्रार्थना की गई है, बाइबल में बहुत जगह उपवास रखे गए हैं, हालेलुया। हमें प्रार्थना कब करनी है, हमें उपवास कब करना है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है, आमीन। परमेश्वर से आपको ग्रेस मांगनी है कि परमेश्वर मुझसे बात करें। अभी जब मैं प्रचार करने से पहले एक बात को सोच रहा था, परमेश्वर को हमारा मन थोड़ा खाली चाहिए। सब बड़े ध्यान से सुनेंगे, इधर देखेंगे, सिर्फ इधर देखना है, अभी बाइबल की तरफ मत देखें, सिर्फ इधर देखें। जब हम वचन खोलेंगे तब आपको बाइबल की तरफ देखना है, अभी ध्यान से सुनेंगे, अपनी पूरी बुद्धि को आप खोलेंगे और बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। कि हम इतने बिजी हो गए हैं ये फ़ोन में या अलग अलग चीज़ों में, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, और हमारा ध्यान जो फैमिली की ओर भी नहीं है, हमारा ध्यान अपने ऊपर भी नहीं है। बहुत सारे लोग खाना पीना, कपड़े, अपना ध्यान रखना भूल चुके हैं, फ़ोन का इतना या और चीज़ों का इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो चीज़ें हावी हो गई हैं। और इसी दरमियान क्या हो रहा है कि आप अपने आप को तो मिस कर ही रहे हैं, अपने आप को तो, अपने फैमिली को तो आप गैप डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर से आपका जो ध्यान है वो कम होता जा रहा है। ऐसा टाइम आ चुका है, लेकिन आपको बड़ी बुद्धि से काम करना है। कैसे काम करना है? आपको जो प्रभु ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि को ना तो बुरे कामों में लगाना है, ना तो अपने परिवार के में लड़ाई करने में लगाना है, ना तो फालतू कामों में लगाना है। इस दिमाग को लगाना है अपने आप ध्यान रखने के लिए, अपने फैमिली का ध्यान रखने के लिए, और प्रभु का वचन प्रार्थना संगति करने के लिए, हालेलुया। जितना ज़्यादा आप जब काम से फ्री हैं, जब अपने जो भी आप बिजनेस जो भी काम करते हैं, जब उससे आप फ्री हैं, तो आपका ध्यान या फैमिली या परमेश्वर की ओर, और मैं बोलूँगा जब आप फैमिली को भी टाइम दे दिया आपने, तो आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, प्रभु का क्या स्थान है, प्रभु ने आपको कब छुटकारे दिए हैं, प्रभु ने कैसे आपको छुड़ाया है, ये आपके मन में निरंतर चलना चाहिए। अगर हम इफिसियों की किताब पढ़ेंगे 6:18, वहाँ पर लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो और तुम पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब बोलेंगे आमीन। क्या लिखे? हर समय, हर समय कब? जब सोते हैं तब तो एक अलग ही हम आत्मिक संसार में, तो उस समय पवित्र आत्मा भी काम कर रहा होता है और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी काम कर रही होती हैं। लेकिन जब हम जाग रहे हैं तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? कैसे प्रार्थना करो? अब आत्मा में प्रार्थना क्या? आपके मन में निरंतर चलते रहना, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं अपने लिए क्या करूं, मैं प्रार्थना में कम तो नहीं हूं। एक ऐसे सोच चलनी चाहिए आपके अंदर, एक आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके दिल में लगातार प्रार्थना चलनी चाहिए, प्रभु मुझे छुटकारा दे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रेयर का टाइम खत्म, बाइबल स्टडी का टाइम खत्म। वो किन चीज़ों ने ले लिया वो आप जानते हैं, वो किन चीज़ों ने ले लिया वो उस टाइम को आप जानते हैं। लेकिन इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसीलिए जागते रहो, इसीलिए क्या करते रहो, क्या करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाए। किस में पड़ जाए? और परीक्षा क्या करती है? परीक्षा लालसा, जब हम अन्य अन्य लालचों में, लालसाओं में पड़ जाते हैं, ऐसी लालसाएं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो काम हमें जरूरी नहीं है, जब हम उनमें पड़ जाते हैं
तब क्या होता है, हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी हो जाती है और परमेश्वर से हमारा ध्यान कम हो जाता है और तब हमारे पर परीक्षाएं आ जाती हैं। और जब परीक्षाएं आ जाती हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम दुख में जाते हैं। और फिर दूसरा काम, या तो अपने आप को दोष देते हैं या हम परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या ही मेरे साथ कर दिया। अरे वो परीक्षा आपके कामों के कारण आई है। कितने समझ रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान पर प्रार्थना से, परमेश्वर से और बहुत सारी चीज़ों से अलग होकर संसारिकता में ज़्यादा चले गया। घर बैठे बैठे भाई आपको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है संसारिक बनने के लिए, कि आप मार्केट में घूमें, मॉल में घूमें, आपका फ़ोन ही आपको दुनिया में घुमा देता है। आपका फ़ोन ही आपको इधर ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ से आपका मन निकलना मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है, लोगों का खाने का टाइम बिगड़ गया, पहनने का पता नहीं है, ध्यान फैमिली परिवार में नहीं है, परमेश्वर तो बड़ी दूर है। तो ऐसे लोग, ये लालसा है, ये अंदर पैदा होगी, ये लालसा है, और यही लालसा आपको परीक्षा में लेकर जाएगी। और जब परीक्षाएं आएंगी और आप लोग परीक्षा में लड़ना नहीं चाहते, लोग परीक्षा से भागना चाहते हैं, मैं इसे छुटकारा पाऊं, हालेलुया, कर्जा आ गया तो लोग चाहते कि भाग जाऊं, घर छोड़ के भाग जाऊं। लोग लड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के कारण ये परीक्षा आपके ऊपर आई है। हालेलुया, परीक्षा बहुत सारे प्रभु की ओर से भी आती है जिसके लिए वो हमें बल ताकत भी देता है लड़ने के लिए, लेकिन कुछ परीक्षाएं जो हमारी शारीरिकता के कारण आती हैं, वो परीक्षाएं बड़ी भयानक होती हैं। हालेलुया, और उन परीक्षाओं से हमें बचना है। लेकिन उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर समय आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। तीन बार सब बोलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से बोलेंगे क्या करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा बनने के लिए आत्मिक ध्यान भी होना चाहिए। आपका ध्यान तो फोन में है, आपका ध्यान तो खाने पीने में, आपका ध्यान तो अपने आप को बनाने में, आपका ध्यान तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों में जो आपको परमेश्वर से जुड़ने नहीं दे रही। तो ऐसे कामों के लिए आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। इधर देखेंगे, सब इधर देखेंगे, एक ऐसा मन बनाना पड़ेगा, टफ मन, टफ माइंड सेट, जिसमें हो सकता है कि आपको अपने आप को बुरा लगे। हालेलुया, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े। अभी मैं घर में हूँ तो मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ इस काम पर ध्यान दे, हो सकता है वो कोई बुरा माने, हो सकता है मैं चर्च में आपको बोलूँ कि भाई ये काम छोड़, ये काम कर, आपको गुस्सा आ गया कि टोका गया है। लेकिन आप ये देखें टोका क्यों गया, क्योंकि आपकी एक आदत ऐसी बन गई जो बुरी है और जो आपको आत्मा में नहीं जाने दे रही, जो आपको शरीर में रख रही है और जो आपके ऊपर परीक्षा ला सकती है। कितने समझ रहे हैं, कभी कभी आपको क्यों डांटा जाता है प्रभु के वचन से, क्यों डांटा जाता है, क्यों आपको घर में थोड़ी बोलचाल होती है, क्यों घर में आप थोड़ा बहुत मसले बन जाते हैं कि जब आपको बोला गया कि ये काम ऐसे नहीं 10 बजे नहीं 8 बजे करना है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने आपको बोल दिया भाई ये काम 10 बजे नहीं 8 बजे होना चाहिए, आप बोलते हैं मुझे क्यों बोल दिया। लेकिन आपकी आदत 10 बजे करने की, जबकि वो काम 8 बजे संपूर्ण पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कितने समझ रहे हैं, तो ये टोकना नहीं है, ये टोकना ये सुधार है, ताकि आपका ध्यान उसमें बना रहे, उस काम का पूरा रिजल्ट आ सके। कितने समझ रहे हैं, तो आपको निरंतर आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रभु भी हमें वचन आज से आज बोल रहे हैं, प्रभु आप सबसे बात करना चाहते हैं, निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहे ताकि तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरे ना करो। शरीर बहुत कुछ मांगते हैं इन दिनों में, आप देखेंगे शरीर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। घर में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, पानी, दाल और रोटी। सारे इधर देखो, कितनी चीज़ें मिलेंगी, पानी, दाल, सब्जी और रोटी, 4 चीज़ें मिलेंगी। आप रेस्टोरेंट में जाओ आपको 100 चीज़ें मिलेंगी, वो लालसा है। वो क्या है, लाइफ ऐसी हो गई है, लोग 4 चीज़ें जो घर की है उनको छोड़कर जो 100 चीज़ें बाहर की हैं उनको, उनकी तरफ ज़्यादा, खाने की बात नहीं कर रहा, अभिलाषाएं, ये भी हो जाए, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और जो घर की, जिनमें शांति है, जिनमें आशीष है और जिनमें हेल्थ भी अच्छी है, जिसमें सब कुछ है, लोग उनका उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है। वो घर की 4 चीज़ें कौन सी हैं, ये वचन, संगति, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, इन पर ध्यान नहीं है, वो चीज़ों पर ध्यान है। कल परसों किसी की शादी है, हफ्ते में किसी की शादी, उसकी तैयारी आज से है। संडे की तैयारी सुबह 10 बजे से शुरू होती है, लेकिन जो शादियों की तैयारी बहुत टाइम से, आप देखें आपका ध्यान किधर है, आपका फोकस किधर है, और आपको पता है कि मैं कैसा फल मिलने वाला है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। हालेलुया, लेकिन मैं आज आपको एक टास्क, एक काम देना चाहता हूँ। हमें क्या करना है, लगातार विनती करना, लगातार क्या करना है। अभी आने वाले दिनों में थोड़ी ठंड, मौसम चेंज होने वाला है और उससे पहले ये बहुत अच्छा सीजन है प्रार्थना करने का और उपवास रखने का। तो आज जो पूरे वचन का मतलब है, प्रभु ने क्या बोला, हर समय प्रार्थना, हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, सब बोलेंगे आमीन। अब अगले आने वाले 21 दिन के अंदर हमें उपवास शुरू करना है कल से, और जो लगातार 3 हफ्ते जाएगा, जिसका जो टाइम रहेगा वो दोपहर के 2 बजे के बाद आप कभी भी उसको खोल सकते हैं। आप अपने अंदर एक टाइम बनाएं, अपने सिस्टम में एक टाइम बनाएं और अपने आप को उपवास में बांध लो। अब आज से ही अपने शरीर पर कब्जा कर लो। आपने कल शादी में जाना है, आपने परसों आपके घर में शादी है, नो प्रॉब्लम, आप शादी का खाना 3 बजे खाना, लेकिन अपना उपवास कंटिन्यू रखेंगे। आप 21 दिन का उपवास हम कल से शुरू करने वाले हैं कलीसिया। प्रभु ने क्या बोला है, इस प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। ये 21 दिन का उपवास किस चीज के लिए होगा, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसके पीछे हमें क्यों उपवास रखना है, अपने शरीर पर जय पाने के लिए। बोलो अपने शरीर पर जय पाने के लिए। अगले 21 दिन आप अपने आप को मारने वाले हैं, हाँ या ना, कितने लोग रेडी हैं? सुनो, इससे पहले दूसरी परीक्षा आए अपने आप को मार लो, ताकि दूसरी परीक्षा ना आए, दूसरी गवाही आए। अपने आप को क्या करो, मार लो। 21 दिन आप अपने आप का सुबह का खाना छोड़ेंगे और 21 दिन आप अपना फोन अपने से उतना ही चलाएंगे जितना जरूरत है, और जब वो काम हो गया आपका ध्यान सब चीजों से बढ़कर प्रभु की ओर होना चाहिए। अगले 21 दिन सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपका ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए, और जब सुबह का उपवास का टाइम है उस समय में आपका पूरा आत्मा में प्रार्थना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लगातार निरंतर आत्मा में प्रार्थना। अगले 21 दिन जो लोग करेंगे परमेश्वर आपको बड़ी गवाही देगा। ऐसा काम जो रुका हुआ, जो फंसा हुआ है, जिस काम में शैतान काम कर रहा है और जिस काम में आप खुद ही रुकावट बन रहे हैं, परमेश्वर उसे आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ये 21 दिन का उपवास मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले सीजन में गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, लोग उपवास नहीं बोलते, गर्मी है। अभी 1 महीने के बाद बहुत सर्दी आ जाएगी, आप प्रेयर और बाइबल आपसे निकलेगी नहीं, ग्लव्स होंगे हाथों में और आपके ऊपर मोटा एक कपड़ा होगा, कंबल होगा, आपके ऊपर रजाई होगी और आप नहीं निकल पाएंगे। और आप 10 बजे 11 बजे उठेंगे आप, और रात को आप लेट सोएंगे क्योंकि ठंड है, ज़्यादा कम्फर्ट आएगा। उस समय भी आपका शरीर आपके ऊपर भारी हो जाएगा, आपको लगेगा मौसम ज़्यादा शायद मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा होने वाला है। और ऐसा हर सीजन दर सीजन चलेगा, और जितना हम इन चीज़ों को सोचते जाएंगे तो चीज़ें हमें खाती जाएंगी। और क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने, ये नहीं बोला कि सीजन में प्रार्थना करना, प्रभु ने बोला है हर समय हर प्रकार से प्रार्थना विनती लगातार करते रहो। हालेलुया। तो 21 दिन का उपवास का समय है, तो कितने लोग करना चाहते हैं उपवास को? हालेलुया हालेलुया। अभी जीतने का टाइम है, हारने का टाइम नहीं किस चीज़ का टाइम है। अभी शादियों का सीजन भी है, लेकिन ये हम इसको फास्टिंग का सीजन भी डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर हम जोएल नबी की किताब में जाएंगे तो क्या होने वाला है जब हम उपवास रखेंगे। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 12 आयत, आप केवल इसको लिखेंगे और बड़े ध्यान से इधर सुनेंगे आप। क्या लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। सब बोलेंगे आमीन। प्रभु ने क्या बोला, उपवास के साथ रोते और पीटते हुए मेरे पास वापस आओ। हालेलुया। ये एक कॉलिंग आपको परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर आपको कॉल दे रहा है, परमेश्वर आपको एक इनविटेशन दे रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ। और कैसे आना है, उपवास के साथ और रोते हुए और पीटते हुए। कौन लोग आएंगे, जो पिछले दिनों में महीनों में प्रभु के साथ नहीं थे, ये उनकी बात है। कितनों समझ रहे हैं, हालेलुया। क्या आप, ये बात आपके ध्यान में जा रही है, हाथ उठाकर हाथ लगाकर बताएंगे किन लोगों के मन में ये बात जा रही है। और ये बहुत सीरियस टॉक है, और जब प्रभु ऐसी बात करता है इसका मतलब शैतान एक बड़ी तलवार लिए खड़ा है आपको तोड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको पहले ही सतर्क कर दिया, इससे पहले शैतान तुझ पर अटैक करे 21 दिन के उपवास में बैठ जा। मुझे इसके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं कि तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जी, आत्मा में एक चुकन्नी की बात परमेश्वर अवेयरनेस हमें दे रहे हैं। हालेलुया। कि अगले 21 दिन में आपको उपवास में बैठना है, अपने शरीर पर जय पानी है, और रोते हुए पीटते हुए शोकित मन के साथ। कैसे मन के साथ, कैसे मन के साथ, प्रभु के सामने शोकित मन के साथ जाना है। कभी कभी मैं अपने घर में कड़वा हो जाता हूँ। कड़वा क्यों जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि पिछले
पिछले हफ्ते में प्रार्थना नहीं हुआ, पिछले हफ्ते में बाइबल नहीं पढ़ा गया, पिछले हफ्ते में एक भी संगति नहीं हुआ, तो मन कड़वा होने लगता है कि क्यों नहीं कर पाए, कहाँ रुकावटें हैं, या मैं ज़्यादा ये काम करने लग गया तो मन कड़वा हो जाता है। और जब ऐसा कड़वा मन आ जाता है तो उस समय प्रभु बोलते हैं कि रोते पीटते हुए मेरे पास उपवास करते हुए वापस आओ, और कल से जो शुरुआत है। हालेलुया, कितनों को रेडी है। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और अपने वस्त्र ही नहीं अपने मन को फाड़ कर अपने योबा की ओर फिरो। कैसे? पहले क्या करते थे अय्यूब ने, क्या जब उस पर बड़ी परीक्षा आ गई तो उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े और उसने एक ऐसा कपड़ा पहना जो केवल उसके कमर के आसपास था, लेकिन बाकी उसने पूरे अपने सिर पर मिट्टी मली, राख मली, और मिट्टी में बैठ गया, टाट ओढ़कर वो बैठ गया एक परमेश्वर को शोक दिखाने के लिए कि परमेश्वर मैं उजड़ गया हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, इस समय अपने वस्त्र ही नहीं मन को भी फाड़ना है। क्या करना है? वस्त्र का मतलब क्या है? वो वस्त्र जो आपने ज़्यादा पहन लिए, जो चीज़ें आपके ज़्यादा ध्यान में चढ़ गई हैं, जो काम आप ज़्यादा करने लगे हैं, उन कामों को योबा बोलते हैं फाड़ कर उतार दो। और अपने मन को भी क्या करो, फाड़ कर उन कपड़ों को जो शारीरिक है उनको उतार दो। उन कपड़े, वो कपड़े जो लालसा के हैं, उनको परमेश्वर क्या बोलते हैं, उतार कर फाड़ दो और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। सब बोलेंगे आमीन। किधर जाना है आप? सब बोलेंगे परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। ऐसे करके एक्शन करके बोलो किधर जाना है, परमेश्वर की ओर। सुनो, ये फासिंग नहीं है, ये परमेश्वर को फिरने का, मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर डरते रोते पीटते कामते हुए जाने का एक शोकित मन। बाइबल बताती है जब तू उपवास करे तो शोक मत करना, अपने मुंह को प्राप्त ऐसा मत बनाना कि उपवासी हूं। हाँ, वो चीज नहीं पता चले, लेकिन अंदर एक शोक चलाओ, परमेश्वर मैं इतने दिन तेरी संगति से, तेरे वचन कलाम से मैं दूर रह कैसे गया, मैं चल कैसे पाया इतने दिन, परमेश्वर तू मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। और आगे लिखा है, वो परमेश्वर इतना, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो क्या लिखा, अनुग्रह करने वाला है। वो क्या लिखा, दयालु परमेश्वर है। और क्या लिखा, विलंब से, मतलब देरी से क्रोध करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऊंची बोलेंगे जरा। वो क्रोध कैसे करते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर से टाइम लगाते हैं, फिर से मौका देता हमें, वो फिर गुस्सा करता है। और उसके गुस्सा करने के जो दिन हैं वो महीने बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए कभी कभी हम परमेश्वर से दूर लंबे टाइम रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर आपके ऊपर या मेरे ऊपर या किसी भी चीज़ पर अपना गुस्सा दिखाए, उपवास प्रार्थना में आ जाओ, परमेश्वर को फिर आओ। हालेलुया। और क्या लिखा है, और वो दुख देकर पछताने वाला, जब वो हमें दुख भी देता फिर वो पछताता भी है। देखो प्यार, परमेश्वर का प्रेम। और क्या जाने कि वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सब बोलेंगे आमीन। और क्या पता कि अगले 21 दिन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसा उसका मन फिर जाए कि आपको आशीष दे दे। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग और प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है। क्या करती है, परमेश्वर के। और कहीं ऐसा हो कि अगले 21 दिन आप उपवास में बैठ जाओ और अपने मन को फाड़ दो। क्या करो, अब अपने हाथ उठाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता मन को क्या फाड़ना है, मन को फाड़ने का मतलब क्या है, मन के अंदर दो तरीके की सोचें चलती हैं, एक संसारिक और एक आत्मिक, और जो कि मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गई हैं। अब समझ नहीं यार, आत्मिक कौन सी है, शारीरिक कौन सी है, मेरे फायदे की कौन सी है और प्रभु की कौन सी है। परमेश्वर बोलते हैं उन चीज़ों को दो फाड़ कर दो, अपने मन को फाड़ दो, जो संसारिक है, शारीरिक है, उसको बाहर निकाल दो। उसके अंदर से वो चीज़ें जो आपको आपको खा रही हैं, जो आपको ही गिरा रही हैं, उन चीज़ों को परमेश्वर बोलते हैं फाड़ कर लग कर दो। और जो चीज़ें तुम्हें आशीर्वाद देंगी, प्रार्थना, संगति, वचन, बाइबल और उपवास, वो चीज़ें परमेश्वर बोलते हैं पकड़ लो और ऐसा हो कि मेरा परमेश्वर का मन बदल जाए और फिर से तुम्हारी ओर फिर कर वो तुझे आशीर्वाद दे दे। हालेलुया। अगले 21 दिन में कौन सा आशीर्वाद आने वाला है वो आपकी प्रार्थना बताएगी। आप कितना बड़ा आशीर्वाद प्रभु से लेने वाले हैं वो आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना आपको बताएगी। हालेलुया। आपका डिसीजन जो आज आप यहाँ पर लेने वाले हैं वो आपको बताएगा अगले 21 दिन में आप क्या करने वाले हैं, और 21 दिन के दरमियान और 21 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या शुरू होने वाला है।
एक नया सीजन शुरू होने वाला है 21 दिन के बाद। अगर मन को फाड़कर आप यहोवा के सामने रोते पीटते हुए आगे कि यहोवा मैं तो तेरा हूँ, मुझे माफ कर, मैंने संसारिकता शारीरिकता की ओर ज्यादा ध्यान लगाया, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। हालेलुया, एक तौबा के हृदय परमेश्वर के सामने आपको लेकर जाना है। और प्रभु बोलते हैं सियोन में नरसिंगा फूको और उपवास का दिन ठहराओ, सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, प्रभु ने क्या बोला है, कह रहे महासभा में नरसिंगा फूको। नरसिंगा का मतलब क्या होता है, तुरी के साथ। जब पुराने नियम या पढ़ेंगे तो तुरी का साउंड बजाया जाता था जब परमेश्वर के नाम की अनाउंसमेंट होती थी, तो वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर कोई काम करने वाला था उसकी अनाउंसमेंट के लिए नरसिंगा फूका जाता था। परमेश्वर क्या बोलते हैं, कह रहे एक कॉल दो लोगों को बताओ कि पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि उपवास का दिन ठहरा दो, फिक्स कर दो दिन मैंने कब उपवास रखना है। हालेलुया, क्या हमने दिन फिक्स कर लिया है? हाथ उठाएंगे कितने लोगों को पता चला कि हमने क्या करना है कल से, हाथ उठाकर बताएंगे। प्रभु ने नरसिंगा भोग दिया, उसके वचन ने बोल दिया, उसके वचन ने बता दिया, ये प्रभु की इच्छा है। अब आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। प्रभु की पहली इच्छा चाहिए, मन को फाड़ कर पहले उसके पास आ और 21 दिन का उपवास कर। हालेलुया, अपने शरीर को तोड़, अपने शरीर को मार। और फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं, और महासभा का प्रचार करो और 21 दिन लगातार वचन पढ़ो, प्रचार किए जाएं और लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया, हम बुधवार के दिन भी, हम और दिन भी चाहेंगे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की हम कोशिश करेंगे। ये समय 21 दिन सीरियस होकर इस काम को हम करेंगे। हालेलुया, बुध यार ये तो बात ना, बैग उसे जेडे चर्च का रूम है ना, बैकग्राउंड पर्दा लगा दियो आज। हालेलुया, ताकि हम रोज लगातार प्रार्थना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, सभा को पवित्र करो। सभा को पवित्र मतलब उनके अंदर परमेश्वर के वचन को भरो, और जो बातें प्रभु की ओर से नहीं है अपवित्र हैं, वचन से निकालो और उन्हें ब्लेस करो, यीशु का लहू छिड़क कर। अगले 21 दिन ये काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या बोले, पूर्णियों को बुला लो, बच्चों को और दूध पियोवों को इकट्ठा करो, सब बोलेंगे आमीन। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। प्रभु बोलते हैं जब उपवास तुम करोगे तो पूर्णियों को भी बुला लो, बड़ों को भी बोल दो। किनको बोल दो, अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, सब इधर देखेंगे। जब हमारा चर्च शुरू हुआ था आज से इधर लोकल एरिया में 10 साल पहले 12 साल पहले, तो हम वहाँ पर छोटे थे, मैं उम्र में छोटा था बहुत, और बहुत सारी फैमिली इधर उधर से आती थी, तो जब क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। लेकिन जब प्रभु ने चर्च शुरू किया तो उन लोगों के पास जाने का जो मौका है वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, वो क्या नहीं करना चाहते, कारण क्या है पता नहीं। और अब जब ऐसा मैंने कुछ चीजें सुनी पिछले दिनों में, वो लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, प्रभु से दूर हट रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, पूर्णियों को बुलाओ, पुराने लोगों को क्या करो। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, अब पुराने लोगों को जब हम बुलाएं तो जगह होना चाहिए कि मैं उनसे, मेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो कहीं वो मुझे उल्टा ना बोले। ऐसा डर भी हो गया लोगों के अंदर, कितने लोग समझ रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं वो हाथ उठाएंगे। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं बोलता हूँ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ और मैं किसी के घर में, मैं किसी को फ़ोन करके बोलने में मुझे 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 प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मन में एक दीवार बनी हुई है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दीवार पैदा की वो मिटाया नहीं, जबकि संगत प्रभु ने एक कर दी है। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अब ये इकट्ठा होने का समय है, अलग होने का समय। कितने चर्च में बैठे मेरी तरफ देखेंगे, आप में से कितने लोग हैं जिनको मैंने टोकना बंद कर दिया है, बहुत लोग हैं यहाँ पर बैठे। क्यों बंद कर दिया है, इसलिए मैं आपसे डरता हूँ, इसलिए आप बोलने का जगह नहीं दे रहे, बोलने का जगह ये कुछ अजीब बात है जो मैं कर रहा हूँ।
सारे बोल हालेलुया। तो अब लेकिन क्या होगा, अब पूर्णियों को बुला लो और दूध पियोनों को भी इकट्ठा करो। किनको? अब जो बच्चे हैं, दूध पीते कौन है? बच्चे जो प्रभु में शुरू हुए हैं, प्रभु उनको आशीर्वाद दे। और दूध पीने वो हैं जो प्रभु में भी शुरू हुए हैं, दूध पीने जो वो जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी 21 दिन के उपवास में आप शामिल करेंगे और उनके लिए भी आप लगातार निरंतर प्रार्थना करेंगे क्लीसिया। हालेलुया, आमीन। तो मैं एक बात आपसे विनती करना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी में बोलने से बंद मत करना। हेलो, कितनों समझ रहे हैं? क्योंकि आप अपने घर वालों की नहीं सुनते, आपको अपने माँ बाप की नहीं सुननी, आपको अपने पति पत्नी की नहीं सुननी, लेकिन यहोवा की सुननी है। और यहोवा नीचे आके बात नहीं करता, यहोवा अपने दासों के द्वारा बात करता है। कितनों समझ रहे, कितनों सहमत हैं? तो अगर आपने उनको ही ब्लॉक कर दिया, उनको ही आपने बोलने से कि आपको वो ये बोलने से भी डरे कि भाई चर्च में आ जाओ, तो ये बड़ी भयंकर बात है, ये बड़ी डरने वाली बात है, कांपने वाली बात है कि ऐसा क्या ही हो गया, कि आप कितने बड़े हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या ही होगी, आपकी आपकी जाति, आपका पैसा, आपका घर कितना ही बड़ा हो गया है, आपको ले डूबेगा। अगर आपने प्रभु के प्रचारकों को अपने ऊपर बोलना बंद करवा दिया, तो आप देख लेंगे आप कितने बड़े आप गिरने वाले हैं, आप कितना ऊंचे हो चुके हैं और इतने अब नीचे जाने वाले हैं। कितनों समझ रहे हैं? ये बड़ी भयंकर बात है। अब 21 दिन का हम ऑल्टर कॉल कर रहे हैं और 21 दिन के ऑल्टर कॉल को आप ही सुन रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं सुन रहे हैं, और जो आते ही नहीं है उनको तक हम कैसे जाएंगे कि ब्लॉक कर दिया गया है, व्हाट्सएप में नहीं किया, बात करने से, क्योंकि बड़प्पन दिखा दिए, क्योंकि उम्र में बड़ा, अभी वो इंच पैसे में बड़ा है, उसको मैं नहीं बोल सकता और ये बात उसको खा जाएगी। मेरे घर में आप कभी कभी क्या होता है, मेरे डैडी मुझसे उम्र से बड़े हैं, तो अगर मैं यही देखता रहूंगा उम्र बड़ी है ना बोलूं उम्र बड़ी है, तो इनको कौन बताने आएगा, दूसरा प्रचारक कौन मेरे घर में आता, कोई भी नहीं आता। कितनों समझ रहे हैं? सहमत हैं आप, हाँ या ना? तो जब ऑल्टर कॉल देनी है तो ऑल्टर कॉल में एज, जाति, पैसा, धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। ऑल्टर कॉल तो दी गई है परमेश्वर की ओर से, अपने मन को फाड़ कर यहोवा की ओर फिर जाओ। हालेलुया, अपने घर में इस मैसेज का प्रचार कर दो, जाकर अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से बोल दो और अपने बड़ों से बोल दो, अपने मन को फाड़ दे, यहोवा की ओर फिर जा। अगले 21 दिन शोक प्रार्थना कर, तौबा कर और प्रभु की ओर फिर से उसी तरीके से, उसी तीव्र, जो उसी ताकत से परमेश्वर की ओर मुड़ जा, ताकि वो क्या करे, वो मन बदले तेरे लिए। क्या करे? कितना समझ रहे हैं? ताकि वो जब तेरे लिए मन बदले तो तेरे पर वो आशीर्वाद रखे। ऐसा ना हो कि जो शराब, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, उसको ज्यादा टाइम मत दे देना, उसको 2-3 साल 5 साल मत दे देना कि तू वापस ना मुड़े। और फिर शैतान मारे तो परमेश्वर छुड़ाए, लेकिन जब परमेश्वर मारे तो कौन छुड़ाए? हालेलुया। इसलिए क्या करना है, क्या करना है? मन को फाड़ना है। पूरी कलीसिया 3 बार बोलेगी, किसको फाड़ना है? किसको फाड़ना है? फाड़ना मन को। चर्च में आना है, ये चर्च प्रभु ने आपको दिया है और ये आपका चर्च है, इधर आना है आपको। हालेलुया। अगले 21 दिन आप उपवास रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। जब मन को फाड़ने की बात प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, कह रहे दूल्हा दुल्हन वो भी अपनी कोठरी से निकल आए, मतलब वो अपने आप को देखना बंद कर दें, अपने हार श्रृंगार कम कर दें। अगले 21 दिन कह रहा है वो मुझे खोजें, क्योंकि मुझ में आशीर्वाद है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम दोनों को जोड़ने वाला मैं नहीं हूं, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर में बनाने का क्या फायदा। हालेलुया। और जिस घर में यहोवा ना रहे उस घर में रहने का क्या फायदा। कितने लोग समझ रहे हैं, हाँ या ना? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगले 21 दिन अपने मन ही को फाड़कर मेरी ओर मुड़ आ और क्या कर, दूल्हा दुल्हन भी अपनी कोठरी से बाहर आकर। कोठरी का मतलब है जो उनकी अपनी नई जिंदगी शुरू हुई है उसको थोड़ी देर होल्ड कर परमेश्वर को पहले ढूंढ, ताकि तुम वो हस्बैंड वाइफ को वो चला सके। हालेलुया।
कितने समझ रहे हैं? और आगे क्या लिखा है? याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की धराई ना होने दे और ना जाते जाते उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि परमेश्वर कहां रहा। हालेलुया, कितनों समझ रहे हैं? तो टहलुए, टहलुए का मतलब होता है जो सेवक लोग हैं, उनको भी परमेश्वर क्या बोलते हैं कि वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। क्या कर? तरस खा। क्या कर? उसी बोलेंगे क्या खा। अब ये ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह ने टहलुओं को दी है कि परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खा। अब मेरी जो ड्यूटी अगले 21 दिन क्या रहेगी? परमेश्वर तो इस परिवार पर तरस खा, परमेश्वर तो उसके बच्चों पर, उसके पति पत्नी पर, बिजनेस पर, उसके जीवन पर तरस खा, उन्हें आशीष दे परमेश्वर। क्यों उनका घर टूटे, क्यों शैतान काम करे, क्यों वो बिखरे, क्यों वो गिरे, क्यों वो मरे, परमेश्वर तरस खा, फिर से जीवता कर। हालेलुया। और ये 21 दिन होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि ये प्रभु का जो अगुवाई है, प्रभु ने बोला 21 दिन शरीर को मारना है। क्या करना है? मारेंगे हम शरीर को, क्या करेंगे? अब 21 दिन परमेश्वर ने क्या बोला टहलू को कि प्रार्थना कर मुझसे लोगों पर तरस खाने के लिए, परमेश्वर तुम पर तरस खाए। हालेलुया। और ऐसा होगा, प्रभु आपके पर तरस खाएगा अगर हम प्रार्थना करेंगे। और इस वचन को मुझे फॉलो करने के लिए मुझे बहुत सारे बलिदान करने पड़ेंगे। अगले 21 दिन आपको बलिदान करने पड़ेंगे। वो बलिदान कौन से आप जानते हैं? अपना खाना छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार से कट ऑफ होना पड़ेगा, मतलब अलग नहीं रहना, मतलब बहुत सारी बातें आपको बंद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बंद। हस्बैंड वाइफ के लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? कह रहे तुम बाहर निकलो, अपने आप की चीज़ों से क्या करो, बाहर निकलो, अभी थोड़ा ध्यान अपनी तरफ कम देना, अभी थोड़ा ध्यान अपनी तरफ क्या करना, करे मुझे ढूंढो, 21 दिन में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मेरा मन बदलेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैं योजना को पूरी करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी। हालेलुया। कलीसिया का रेडी है? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यहोवा ने अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। सब बोलेंगे आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने जब क्या तरस खाया, तो यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, तुम उन्हें पाकर तृप्त हो जाओगे और भविष्य में मैं अन्य जातियों में तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन। और कह रहे जब तुम 21 दिन तौबा में जाओगे, प्रार्थना में करोगे, प्रभु ने क्या बोला? देखो परमेश्वर ने उत्तर दिया 21 दिन के बाद। परमेश्वर बोलते हैं सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें दूंगा। सब बोलेंगे आमीन। कलीसिया इधर का आपका ध्यान इधर है, क्या प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप सीरियस हैं? ये वचन सीरियस है, ये वचन सीरियस है, ज्यादा इसको सीरियस लेना आपको। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे अन्न पर आशीष दूंगा। क्या दूंगा? कब? जब तुम उपवास रखोगे तब, तब कब? केवल तब नहीं, तो चर्च चर्च लेहन कहीं से कुछ भी करो, परमेश्वर ने वो नहीं बोला लेहन। परमेश्वर ने बोला तू अपना मन फाड़, तू रोता पीटता हुआ मेरे सामने। हालेलुया। अपने उन कर्मों को, कामों को छोड़ दे जो मैंने तुझे करने के लिए नहीं बोले। और प्रभु बोलते हैं मैं तुझे अन्न दूंगा और मैं तुझे नया दाख मधु दूंगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? नए दाख मधु का मतलब है कुछ नया मैं तेरे जीवन में करूंगा, मैं तुझे आनंद से भरूंगा। और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? और तुम्हें मैं नया तेल दूंगा। सब बोलेंगे आमीन। क्या दूंगा? और तुम्हें नया तेल दूंगा और तुम उसे पाकर तृप्त हो जाओगे। सब बोलेंगे आमीन। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी जो भूख है वो मिट जाएगी। सब बोलेंगे आमीन। भूख बरकत की, आशीष की, छुटकारे की, फैमिली की, किसी भी चीज की, वो भूख मिट जाएगी जब 21 दिन का उपवास पूरा होगा। हालेलुया। कितने लोग तोड़ेंगे अपने शरीर को? और मैं उत्तर से आई हुई सेना को तुम्हारे से दूर कर दूंगा और उसे निर्जल और उजाड़ देश से निकाल दूंगा, और अगला भाग तो पूर्व की ताल की ओर, उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। सब बोलेंगे आमीन। और उससे दुर्गंध उठेगी, उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत से बुरे काम किए। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? जितने शैतान उत्तर पूर्व दक्षिण से
चारों दिशाओं से तेरे खिलाफ जो शैतान जो दुष्ट आत्माएं उठ खड़ी हुई हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैं उनको दूर कर दूंगा, उन्हें जला दूंगा, उनकी दुर्गंध आएगी यीशु मसीह के नाम से, वो जल जाएंगी वो दुष्ट आत्माएं 21 दिन के बाद, अगर तू सीरियस होकर मन फाड़ कर प्रभु की ओर फिर जाएगा। हालेलुया, ये ऑल्टर कॉल प्रभु की ओर से है। जी प्रभु ने आज अपनी वेदी के ऊपर से आपके लिए ये ऑल्टर कॉल दिया एक्लिसिया, और जब आप इस ऑल्टर कॉल को सुनकर अगर मन में कुछ हुआ है तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर चुका है। आमीन। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु का वचन रोमियो की किताब 8:26 में बोलता है, इस रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। अब शरीर हावी है, शरीर क्या है हावी है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, शरीर दुर्बल है, बोलो शरीर दुर्बल है, शरीर क्या है? हालेलुया। यही तो गेम अटका हुआ है, यही तो लुतर पर कंट्रोल नहीं है। किस पर कंट्रोल नहीं है, किस पर? गेम यही है, गेम कहीं भी नहीं है, गेम इधर ही अटका हुआ है। ये लुतराएगी या अगले 21 दिन प्रार्थना करेगी, आपका जीवन आपका फ्यूचर उसी में डिपेंड है। हालेलुया। आपका लाइफ उसी स्टाइल से चल जाएगा। अगले 21 दिन आप प्रभु से माफी तौबा मांगेंगे और अगले 21 दिन अपने लिए भविष्यवाणियों की डिक्लेरेशन करेंगे आप यीशु मसीह के नाम से। हमें सुबह उठ के अपने लिए भविष्यवाणी करेंगे आप। हालेलुया। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए भविष्यवाणी करेंगे। हाँ जाना क्लेश से आप सो रहे हैं और मुझे लगता है शैतान आपको उठाने वाला है, आपके घर में ऐसा पंजाबी बोले कड़मा समझोगे ना, जिस मंजे पे आपको 12 घंटे नींद आती थी ना, 12 मिनट भी आंख शांति से नहीं है बैठने देता शैतान जब आता वो। जब शैतान की एंट्री होती है हिल जाते लोग, हिल जाते हैं, बुद्धि मर जाती है, बुद्धि घास चरने चली जाती है। करे तो करे क्या, फिर एक ही चीज चलती है, जुबान। प्रभु ऐसा है, प्रभु यीशु वैसा है, चर्च ऐसा है, चर्च वैसा है। 21 दिन प्रार्थना में अपनी जुबान को चलाएंगे आप यीशु मसीह के नाम से। इससे पहले वो शैतान जो अपना हथियार लिए हुए खड़ा है वो आपके ऊपर चलाए, आपको प्रार्थना करना है। और बाइबल में क्या लिखा है, इफिसियों 6 है उसका 18 आयत में क्या लिखा है, वो दुर्बलता में सहायता करता है पवित्र आत्मा, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमें आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता। सब बोलेंगे आमीन। अब आने वाले 21 दिन में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने वाले हैं कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और आत्मा का अगुवाई आपके ऊपर आएगा, आपको कल कौन सी प्रार्थना की शुरुआत करनी है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अगर आज आपने एक काम कर लिया, वो कौन सा काम है, फैसला ले लेके 21 दिन का उपवास है मेरा बस, और शरीर को छोड़ दिया, तोड़ दिया बस, कि भाई तेरा बहुत हो गया, अपने शरीर को क्या बोल दिया, भाई तेरा थैंक यू सो मच, अब हम आत्मा की सुनेंगे, हम प्रभु की सुनेंगे, जो मेरे प्रभु ने मुझे बोला मैं वो करने वाला हूँ। आमीन। कितने लोग रेडी हैं, अपने हाथ उठाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे इस वचन के लिए, इस अगुवाई के लिए जो प्रभु ने आपका किया है। हम अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। बोले प्रभु पिछले दिनों में, पिछले महीनों में मैं आपसे दूर रहा और मुझे इस बात का पता भी है, लेकिन प्रभु मैं आपके नज़दीक आऊँ, मैं आपके निकट आऊँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने मन को फाड़ता हूँ, मैं अगले 21 दिन अपने शरीर की इच्छा किसी भी रीति से पूरी ना करूँगा, अपने मन की इच्छा, अपने दिल की इच्छा किसी भी रीति से पूरा ना करूँगा, मैं उपवास में जाने वाला हूँ और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। बोलो उपवास में जाने का फैसला मैं लेता हूँ। बोलो मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा अगर प्रभु की इच्छा मैं रखूँगा, नो, बोलो मैं उपवास रखने वाला हूँ, दैट्स इट, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं, रुकावटें यीशु के नाम से तोड़ते हैं, और भारी अभिषेक पवित्र आत्मा का आज के दिन आपके ऊपर उतर जाए,
और आपकी सहायता करने के लिए ये वचन आपसे बात करें। शकर बा संतान बा रेबे शिके रेबे संतान बिया रमा संतान, ये वचन आपसे बात करें, ये वचन आपके मन में बैठ जाए। बोले ये वचन मेरे मन में बैठ जाए, मुझसे बात करें, मैं कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग करूंगा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ। बोलो 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं रेडी हूँ, मैं अपने शरीर को आज ही से मारूंगा उसे, और उसे मैं पीछे खींचूंगा, और आत्मा का बल मेरे ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट आज का वचन 100 गुना फलों के लेकर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमेन, हालेलुया। चलेंगे कंटिन्यू। सो प्रभु का धन्यवाद आज संडे के लिए। कितने लोगों पास में जाने का निर्णय लेंगे? केवल वही हाथ खड़ा करेंगे, वो खड़े हो जाएंगे जितने लोग निर्णय लेंगे पास में जाने का। अपने हाथ उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता, ये बच्चे इस काम के लिए चुने हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी इच्छा थी प्रभु कि तेरा कलाम इनके लिए हो, तेरा कलाम इनके लिए खुले, और तेरा कलाम इनके मन में बसे मेरे परमेश्वर। ये अपने मन नहीं, कपड़े नहीं मेरे परमेश्वर, वस्त्र नहीं, केवल मेरे परमेश्वर अपने मन ही को फाड़ कर ये तेरी ओर रोते पीटते हुए फिर जाए मेरे परमेश्वर। बोलो मैं अपने आप को मारता हूँ, अपनी इच्छाओं को मारता हूँ, और मैं आत्मा में प्रवेश करूंगा, और प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप सबकी अगुवाई करे उपवास प्रार्थना में आमीन। 21 दिन आप उपवास में रहेंगे, अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल जो आपके खाने पीने के थे दोपहर 2 बजे तक के, और जब आप उपवास करेंगे तो आप 15-15 मिनट की 4-5-6 बार प्रार्थना करेंगे। कितनी बार? 2 बजे तक 15-15 20-20 मिनट की, 5-5 10-10 मिनट की। एक प्रार्थना नहीं करनी 2 घंटे की, थोड़ी देर के बाद प्रार्थना, थोड़ी देर के बाद प्रार्थना, थोड़ी देर के बाद प्रार्थना, तो 21 दिन में आपकी प्रार्थना का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप रेडी हैं क्या? आप रेडी हैं? कुछ नया होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, कुछ नया प्रभु यीशु मसीह 21 दिन के अंदर और 21 दिन के बाद करने जा रहे हैं। हालेलुया, आप ब्लेस्ड हैं। सब जन अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।